फ्रेंड्स आज मैंने गुत बनाई है, मैं अच्छी लग रही ना गुत में। और मम्मी की तबीयत कल से खराब हो रखी है। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। तो दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ, और उससे पहले आप लोगों का सभी का वेलकम कर लेते हैं। तो वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो कमेंट करके जो बताना। और मैं भी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो बस दोपहर का लंच कर लेंगे और उसके बाद बच्चों को जाना है ट्यूशन। तो अभी 1 बज रहे और अभी इन्होंने नहाना भी हैगा, दोपहर के नहाएंगे। सुबह उन्होंने नहाया नहीं था क्योंकि पानी गर्म करना पड़ता है, जो कि सुबह हो नहीं पाया। सुबह सुबह स्कूल जाना था तो पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए सुबह नहीं नहाया। तो अभी दोपहर को गर्म करूँगी पानी, फिर नहाएंगे, फिर उसके बाद चले जाएँगे ट्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बाद में मिलते हैं। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो इन्जॉय कीजिएगा। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो शाम के 4 बज रहे हैं और सुबह थोड़ी बहुत बच्चों ने क्लिप निकाली थी, और जो है तो सुबह से आज कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना पाई हूँ मैं, क्योंकि कल से ही मेरी तबीयत ख़राब थी। दोपहर से कल जब बच्चे आए थे, आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा मेरा, बच्चों के आने के बाद, उनके जाने के बाद बच्चों को अपने लंच वगैरह देने के बाद, तभी मैं जब मैं स्कूल गई थी तभी मैं थोड़ी बहुत लग रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, हल्की फुल्की। और दोपहर तक फिर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, फिर शाम को बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों शरीर में इतना पेन हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, तो बुखार भी था रात को। तो रात के 6 बजते जो है मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तबीयत, 6:30 बजे तक कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो मैंने एक पेन किलर लिया, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, बस पेन किलर लिया और मैं सो गई थी। सो के उठी फिर मैं 9:30 बजे उठी थी, उसके बाद ही जो है फिर लंच वगैरह बना के, मैं सब्ज़ी तो बना लिया था 4 बजे ही, क्योंकि मुझे तबीयत में ठीक नहीं लग रही थी, मैं सोचा चलो मैं सब्ज़ी बना देती हूँ और फिर रात को मेरी बेटी रोटियाँ बना देगी तो हो जाएगा। फिर उसने थोड़ी बहुत रोटियाँ बनाई थी, वो ज़्यादा रोटियाँ नहीं बना पाई। फिर उसके बाद मैंने फिर बनाया और सबको खिला पिला कर मैं फिर से सो गई थी। तो तबीयत ख़राब थी ज़्यादा मेरी, और जो है और कल के वीडियो पे भी मेरा जो है कमेंट पता नहीं क्यों बंद आ रहा है, आज की भी वीडियो पे मेरा कमेंट बंद आ रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो रखा है, कमेंट क्यों बंद आ रहे समझ में नहीं आ रहा है। तो और आज सुबह भी मैं सबको नाश्ता वगैरह देने के बाद फटाफट थोड़ा बहुत जो काम था मैंने कर लिया, थोड़ा बहुत क्या काम, ज़्यादा काम भी नहीं किया, थोड़ा बहुत करके, क्योंकि चाहे औरतों की यही है ना कि बीमार हो कुछ भी हो काम तो उससे करना पड़ता, क्योंकि घर संभालने के लिए और कोई है भी नहीं, तो करना तो है, जैसे भी करो करना तो हमें ही है।
नाश्ता वगैरह सबको दे के और जो है थोड़ा बहुत काम करके मैं लेट गई थी। फिर उठी जाके मैं 12:30 बजे जब बच्चे आ गए थे तो फिर बच्चों के लिए लंच बनाया मैंने, नमकीन चावल। तो आप लोगों ने देखा ही वीडियो में लंच वगैरह बनाकर उनको खिला के फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। फिर जो है देखा कपड़े बहुत सारे थे, सुबह भी धो ना सकी। मुझे कपड़े ना मैं सुबह ही धोती हूँ अधिकतर, तो सुबह देखा तो कपड़े बहुत सारे धोने, लेकिन तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं फिर अभी शाम के मैं जो है 3 बजे से कपड़े धोना स्टार्ट किया था, तो अभी धोए धुल कर आ रही हूँ मैं कपड़े। और फिर आप लोग दिखाती हूँ, थर्मामीटर से चेक किया, बुखार चढ़ गया फिर से, कपड़े धोते धोते फिर से बुखार मुझे चढ़ गया है। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है, सोची मैं कुछ बना के रख देती हूँ ताकि, क्योंकि रात होते होते पता नहीं क्यों तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। दिन में तो थोड़ा बहुत ठीक भी होता है, रात को पता नहीं क्यों ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैं सोची सब्जी वगैरह बना के रख दूँ, तो मटर वगैरह भी छील लिया है मैंने, कपड़े धुलते मशीन में लगा दिए थे और मटर भी छील लिए। तो कपड़े वगैरह धोकर मैं आ गई हूँ, तो देखते हैं कब मेरी तबीयत ठीक होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं है, क्योंकि तो जैसा भी हो आप लोग देख लेना। और बस मैं तो वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मैंने सोचा चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों की वीडियो पे नहीं आ सकूँ तो प्लीज़ माफ़ करना। तो चलिए फ्रेंड्स, तो जो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो कमेंट, अगर इस वीडियो पे रहा तो ठीक है, आप लोग कमेंट कर देना मुझे, नहीं तो कोई बात नहीं, देखती हूँ दिखाऊंगी हस्बैंड को कि क्या हुआ, कमेंट क्यों बंद आ रहा है, तभी पता चलेगा। अब उन्हीं को दिखा सकती हूँ, मुझे तो इतना आता नहीं है कि देख सकूँ क्यों कमेंट बंद आ रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं। 2 दिन से वीडियो पर मेरे कॉमेंट बंद आ रहे हैं, तो बच्चों ने अपने स्कूल की बाल्टी यहीं पर भी छोड़ रखी है। तो चल रही, थोड़ा सा लेटूंगी या देखती हूँ कुछ बनाती हूँ, थोड़ा सा लेटूंगी मैं दवाई खा के पानी पी के, क्योंकि गला भी बहुत सूख रहा है, कपड़े धोकर आई हूँ अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, मैंने सोचा आप लोगों को चलो बता देती, थोड़ी सी बात भी कर लूँगी तो ठीक रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, देखेंगे अगर ठीक रहेंगे तो ब्लॉग बनाएंगे, नहीं तो नहीं। फिर चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।